सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकवर्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि जियो की तरफ से जो ऑफर चल रहा था वो 15 जुलाई के बाद में खत्म होने वाला है, तो जियो ने 15 जुलाई के आने से पहले ही यानी कि दो दिन पहले, तीन दिन पहले उन्होंने, आज 12 जुलाई है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। तो इस ऑफर में आपको 19 और 149 तक ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 149 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको 2 GB डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड है, 128 KB पर MB पर स्पीड के हिसाब से KB पर स्पीड होगी जो 28 MB अगर अनलिमिटेड यूज करते हैं तो। और उसके बाद में आप आ जाइए 399 तक, वहां पर आपको मिल जाता है अच्छा खासा ऑफर। और उसमें तब्दीली जो की गई है वो है कि टाइमिंग की तब्दीली की गई है, उसके साथ में आपको उसकी जो GB है, जो डाटा है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं उनकी वेबसाइट पे चल के कि क्या क्या ऑफर दिया है और क्या क्या फायदा आपको हुआ है और आगे आने वाला क्या फायदा होने वाला है। और ये ऑफर सभी लोगों के लिए है, चाहे वो प्राइम मेंबर हो या फिर नए यूजर हो, किसी को भी मिलेगा अगर वो रिचार्ज करवाते हैं नया पैकेज। तो चलिए देख लेते हैं, आप देख रहे हैं अमांटे कोड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। जियो की वेबसाइट पर आकर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ से 19 और 49 में कोई भी जो है मेजर डिफरेंट नहीं किया गया है या बदलाव नहीं किया गया है, इसके ऊपर कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है। अगर आप 96 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको डाटा मिलेगा अनलिमिटेड और 1 GB पर डे के हिसाब से आपको 7 GB डाटा 7 डेज के लिए मिल जाएगा। और जो अनलिमिटेड डाटा होगा वो होगा 128 KBPS यानी 128 KBPS के हिसाब से आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, जो कि स्पीड होगी 128 KBPS। और अगर 149 का आप रिचार्ज कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 28 दिन की होगी। और यहाँ पर आपको डाटा मिलता है 2 GB और 2 GB मिलता है आपको 4G स्पीड से डाटा। और उसके बाद में SMS आपको 300 मिलेंगे, बाकी वॉइस कॉलिंग इस पर भी अनलिमिटेड है, फ्री है, फ्री वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड है। अब उसके बाद आते हैं कि 309 पे कितना चेंजेस किया गया है और क्या बदलाव किया गया है। तो 309 के जो ऑफर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 309 पहले 28 दिनों के लिए था, उसके बाद में उसमें 28 दिन और ऐड करके उसे 56 दिन का कर दिया गया है। इसकी जो वॉइस कॉलिंग है वो तो अनलिमिटेड है सभी पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो डाटा सर्विस है यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड है। और 56 डेज के लिए 56 GB मिलता है आपको, 1 GB पर डे के हिसाब से जो स्पीड होगी वो 4G की स्पीड होगी। और अगर उसके बाद में आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट 4G डाटा 128 KBPS के हिसाब से आपको जो नेट मिलेगा वो पूरे दिन में 128 KBPS के हिसाब से मिलेगा, 1 GB डाटा ख़त्म होने के बाद में। और उसके बाद में आपको जो 349 का जो ऑफर है उस पर भी 28 दिन ऐड किया गया और यहाँ पर 10+10 GB दिया गया है, डाटा जो है वो अनलिमिटेड है 128 KBPS के हिसाब से, यानी कि आपको 20 GB डाटा इस पर मिलता है 149 में, वो चाहे आप एक दिन में ख़त्म कर दें या फिर एक महीने में ख़त्म कर दें या फिर 56 दिन में ख़त्म कर दें, वो आपके ऊपर है। बाकी जो आपकी स्पीड है नेट की वो 128 KBPS के हिसाब से मिलती रहेगी। उसके बाद में जो आता है मेन रिचार्ज वो है 399 का, तो इस पर 56 डेज आपको ऐड करके 84 डेज के लिए ऑफर दे दिया गया है। और यहाँ पर जो डाटा है वो अनलिमिटेड है और 84 डेज के लिए आपको 84 GB डाटा मिलता है। इसमें आपको मिलता है 1 GB पर डे के हिसाब से डाटा जो 4G स्पीड से चलेगा और बाकी जो है वो 128 KBPS के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड डाटा एट 128 KBPS, यानी अगर आपको अनलिमिटेड डाटा यूज करना है तो वो 128 KBPS के हिसाब से सभी पे तकरीबन दे दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 149 और 1949 के ऑफर पैकेज पे छोड़कर, बाकी सब पे इतना ही ऑफर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर 509, तो चलिए इसमें फ़ायदा देख लेते हैं। अब देख लीजिए, अगर 309 या 349 का आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 56 GB मिलता है, और अगर आप 349 का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 20 GB मिलता है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो आप ये 309 और 349 को छोड़कर आप डायरेक्ट 399 का रिचार्ज करवा लीजिए, इस पर आपको 84 GB मिलता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 50 रुपये ज़्यादा पैड करने, उसके बाद में आपको ऑफर मिल जाएगा अच्छा। और यहाँ पर जियो प्राइम टर्म एंड कंडीशन है और बाकी यहाँ पर जो ऑफर है वो आप देख लेंगे आके। तो ये आप सभी लोगों के लिए है, 509 का है, फिर 999 का है, वही तरीके उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। 509 का है वो 56 डेज के लिए,
ये तो रहा प्रीपेड ऑफर है ये अगर आप प्रीपेड यानी कि आप अगर पैकेज करवा के एडवांस में पैसा देके ये करवा लेते हैं पैकेज, तो ये प्रीपेड यूजर्स के लिए है। और देखते हैं पोस्टपेड यूजर्स के लिए क्या ऑफर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं पोस्टपेड पे, तो यहाँ पर आपको 309 रुपये में मिलता है 2 महीने के लिए अनलिमिटेड फ्री वॉइस और अनलिमिटेड डाटा, और यहाँ पर मिलता है आपको 60 GB डाटा 1 GB पर डे के हिसाब से 128 KBPS। तो अगर आप लेना चाहते हैं पोस्टपेड तो ये बेहतरीन पैकेज है। और यहाँ पर आपको मिलता है सेम वही पैकेज, वहाँ पर आपको 56 डेज मिलता था, यहाँ पर आपको 60 डेज मिलता है, यानी कि 4 दिन ज़्यादा इधर मिलेगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 399 का जो पैकेज है वो 3 महीनों के लिए अनलिमिटेड है, यहाँ पर आपको 90 GB मिलता है 1 GB पर डे के हिसाब से। और 509 में आपको 120 GB मिलता है 2 महीने के लिए, 999 में आपको 2 महीने के लिए मिलता है 90 GB। तो यहाँ पर अगर आप अनलिमिटेड है, लेकिन अगर 90 GB जो है वो चाहे आप एक दिन में ख़त्म कर दें या फिर 2 महीने में ख़त्म कर दें, इस तरीके का इस पर पैकेज है। और जो उसके बाद में अनलिमिटेड है वो 128 KBPS के हिसाब से स्पीड से वो आपका डाटा चलता रहेगा 2 महीने तक। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।